हेलो भाइयों, मैं हूँ रोहित शर्मा और आज काफ़ी टाइम बाद आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। न्यू डिज़ायर जो आई है आपकी 2024 फेसलिफ्ट वेरिएंट, ये होगा आपका पेट्रोल में VXI वेरिएंट है। ये मेरे सामने जो खड़ा है अभी, तो अभी हम डिज़ायर से अगर पुरानी वाली डिज़ायर से हम कंपेयर करते हैं और अभी हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कुछ बदलाव करे गए हैं। तो सामने से अगर हम देखते हैं इसकी फ्रंट में, तो कुछ कुछ यहाँ से कुछ ऑडी वाला लोग जो आजकल लोग कह रहे हैं कि ऑडी बना दी है डिज़ायर नई वाली, तो ऐसी कुछ यहाँ पर प्रोजेक्टर मिलते हैं तो आपको इसके अंदर, और यहाँ पर ये आपका इंडिकेटर आ जाते हैं और ये कुछ शाइनिंग में आपकी यहाँ पर ग्रिल मिलती है इसकी ब्लैक कलर में। यहाँ पर सुजुकी का लोगो आ जाता है नीचे। फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलते यहाँ पर VXI वेरिएंट में। साइड से अगर हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ से, तो आपको फेंडर पर इंडिकेटर नहीं मिलता। ये आपका 3 रिम आ जाता है यहाँ पर 14 इंच का। ये है इसका टायर साइज, C8 के टायर्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। ये इसकी फ्यूल लीड आ जाती है यहाँ पर। मिरर्स की अगर हम बात करते हैं तो मिरर्स आपको बॉडी कलर मिलते हैं यहाँ पर, एक इंडिकेटर दिया हुआ है इधर। बॉडी कलर डोरेडल्स आते हैं आपके। इंटीरियर कुछ इसका इस तरीके का कर दिया गया है, स्विफ्ट वाला ही वही आपका स्टेयरिंग आता है पूरा, टू स्पोक 3 स्पोक। वाइट कलर की कुछ क्रीम कलर की इसके अंदर सीट दी हुई है। यहाँ पर इसका इंटीरियर मिल जाता है ये वाला। यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। ये कुछ आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स दे दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक कंट्रोल मिलता है ट्रैक्शन का और ये आपका हेडलाइट वाला बटन मिल जाता है यहाँ पर। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आती है ये। ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। ये चार्जिंग सॉकेट आ जाता है आपका, एक USB चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। ये हैंड ब्रेक और पीछे भी आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड करे गए हैं, Type-C वाला और एक आपका USB वाला। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर हम इसका देखें तो ऐसा कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। बैक हम चलते हैं अभी इसकी बैक साइड में, उससे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। नॉर्मल जैसी आपकी चाबी आती है वाली बटन वाली, वैसे इसकी चाबी आती है लॉक और अनलॉक वाली, सॉरी लॉक और अनलॉक वाली। उसकी रियर साइड की अगर हम बात करते हैं तो इस साइड भी आपको वैसा ही कुछ फिनिश मिलती है, ऐसी फ्रंट में आपको दी गई उस जगह पर। रियर में आपको यहाँ पर स्पीकर्स की जगह मिलती है यहाँ पर इस साइड और उस साइड। ये आपको इस तरीके के स्प्रिंग वाले, वैसे ही बलेनो वाले जो आपके हैंडल्स आते हैं वैसे ही प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पर एक लाइट आ जाती है इस जगह, हेलोजन आपको ये लाइट मिलती है। और वहाँ आपको मैंने ऊपर वहाँ पर नहीं दिखाई, यहाँ पर भी एक लाइट आ जाती है। सनरूफ इसके अंदर नहीं आती, सनरूफ आपका वही टॉप मॉडल में आती है। बीच में एक हम्प मिल जाता है यहाँ पर। रियर में यहाँ पर AC मिलता है। इस तरीके का कुछ आपका फैब्रिक आ जाता है यहाँ पर। तो आपको दिखाता हूँ इसका बूट। यहाँ पर पार्सल ट्रे यहाँ पर नहीं आती है। 382 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है इसके अंदर। तो ये आपका टायर मिल जाता है यहाँ पर C8 का, 14 इंच का ही सेम टायर साइज मिलता है आपको। पोस्ट कटिंग यहाँ पर नहीं कर रही है। तो ये आपका इंजन 1197 cc का इंजन आता है इसके अंदर। 112 Nm का टॉर्क क्रिएट करता है ये। वही सेम इंजन ऑप्शन आपको चारों इसके जो वेरिएंट आते हैं वही मिलते हैं, VXI, ZXI और ZXI प्लस और एक ZXI ऑटोमेटिक जो आता है आपका।
सीएनजी में इसका आपको 33 का माइलेज अभी क्लेम कर रही है कंपनी, और बाकी सब में लगभग 24 या 25 का एवरेज दे रही है। तो यदि भाई आपकी डिज़ायर 2024 वेरिएंट, अगर कुछ भी आपको कमी लगी हो इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना मेरे साथ। सारी डिटेल मैं आपको इस गाड़ी की दे दूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।